नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th आर्ट्स इतिहास में समय की शुरुआत से मानव की उत्पत्ति से लेकर अध्ययन करते आ रहे हैं। आज हम इस टॉपिक में प्राचीन जो मानव था उस मानव के द्वारा किस प्रकार से भाषा का विकास किया गया था उसका हम अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, विद्वान प्राचीन मानव की संप्रेषण भाषा और कला के विकास के बारे में अलग अलग मत प्रतिपादित करते हैं। अब देखिए, जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जंतु है, जिसके पास भाषा है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें सुव्यवस्थित भाषा एक मनुष्य के पास है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं और उनमें पहला मत है होमोनिड भाषा में अंग विक्षेप यानी हाव भाव या हाथों का संचालन या हाथों का हिलाना शामिल है। मतलब अपने शरीर के अंग से मानव संप्रेषण करता होगा। दूसरा है उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता होगा, यानी गाना या गुनगुनाना जैसे मौखिक या अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग करता होगा। तीसरा है मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ था, जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है जिसमें आह्वान या बुलावा किया होगा और उससे हुआ होगा, ऐसा विद्वान मानते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हुई होगी उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कब हुई है, इसके बारे में हम कोई फैक्ट जानकारी तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा और इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व होना शुरू हुआ होगा। यानी 20 लाख वर्ष पूर्व भाषा का विकास होमो हैबिलिसिस जो मानव था उसके द्वारा किया गया होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 20 लाख वर्ष पहले हुआ था। इस संबंध में खास तौर पर आधुनिक मानव से हैं वो रहा है, अर्थात 20 लाख पूर्व मानव ने एक भाषा या संप्रेषण शैली का उपयोग करना है वो शुरू कर लिया होगा। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई थी, यानी यह 40,000 साल से 35,000 साल पहले विकसित हुई थी। उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये
दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है, जिसके माध्यम से भाषा का विकास हुआ था। जैसे भाषा के विकास के बारे में कुछ जानकारियाँ हमें गुफा चित्रों से मिलती हैं, क्योंकि प्रारंभ में मानव ने अपना निवास स्थान गुफाओं को बनाया था, और जहाँ उसने अपनी अभिव्यक्ति के लिए कई चित्रों का निर्माण है वो किया था। तो यहाँ चित्र में हम देख सकते हैं अल्टामीरा की गुफा। ये अल्टामीरा की गुफा स्पेन में है, और इस अल्टामीरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारी जो आप पेज नंबर 22 बुक्स में देख सकते हो, जो चित्रकारी है, चित्रकारियों की और मार्सिलिनो सेंस दी सौतोओला का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा 1879 ईस्वी में दिलाया गया था। मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातत्वविद थे, और उनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ और खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नज़र छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी, और वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियां बनी हुई हैं, जिनमें रंग की बजाय किसी प्रकार की ले यानी पेस्ट का इस्तेमाल है वो किया गया है। फिर तो उसका मन उमंग से इतना भर उठा कि वह हतप्रभ हो गई, और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्षों को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि नहीं, ये उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। तो इस तरह अल्टामीरा की गुफा से चित्र को देखकर यह जानने की कोशिश की गई कि ये चित्र किससे जुड़े हुए हैं, किसने बनाए होंगे। इसी तरह फ्रांस में स्थित लेसकॉक्स और शोवे और स्पेन के अल्टामीरा जो गुफाएं हैं, इनमें जानवरों के सैकड़ों चित्र आज भी देखने को मिलते हैं, जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बने हुए माने जाते हैं। अर्थात आज से लगभग 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में बने बताते हैं। इनमें गोरों, घोड़ों, साकीन हिरणों, मेमथों यानी विशालकाय जानवरों, गैंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्गों और उल्लुओं के चित्र हैं वो शामिल हैं। अर्थात इन सभी में विशेष तौर से जानवरों में गैंडा है, शेर है, भालू है, लकड़बग्गा है ना, ऐसे बहुत से चित्र इसमें देखने को हैं वो मिलते हैं। इन चित्रों पर जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं, क्योंकि इनके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिल पाती है कि मानव ने इन्हें किस रूप में बनाए होंगे, किस प्रकार से बनाए होंगे, मानव की ये किस काल के अभिव्यक्ति हैं, इसके बारे में कोई लिखित स्रोत प्राप्त नहीं हो पाया है। उदाहरण स्वरूप इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है, और कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं किया गया है, पुरुषों को अकेले अलग अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया है जबकि स्त्रियों को केवल समूह में क्यों किया गया है,
केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया है, स्त्रियों को कभी नहीं किया। जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज अच्छी तरह पहुंचती थी? अर्थात ऐसे कई प्रश्न है कि भाई कुछ पशुओं के चित्र क्यों हैं, पुरुषों को अलग अलग और समूह में दिखाया गया जबकि स्त्रियों को समूह में दिखाया गया। इसके अलावा चित्र कुछ गुफाओं में कुछ जगह पर हैं, कुछ जगह पर नहीं हैं। तो ऐसे कई प्रश्न पुरातत्वविदों के दिमाग में भी खड़े हुए थे। इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए, उनमें से एक यह है क्योंकि जीवन में शिकार का महत्व है इसलिए जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिलेगी। और दूसरा स्पष्टीकरण ये दिया गया कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है वहां ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हो अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हो और ये चित्रकारियां आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हो। ऐसे कई प्रश्न हमारे दिमाग में हैं वो उत्पन्न होते हैं। आदिकालीन समाजों के बारे में जो ऊपर विवरण दिया गया है वह अधिकतर पुरातत्व साक्ष्य के आधार पर, अर्थात उस समय में कोई लिखित जानकारी तो मिली नहीं, कोई स्रोत में लिखित साक्ष्य मिला नहीं, इसलिए इसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोतों से मिली है और उसके आधार पर हैं वो दी गई हैं। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था कि शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद हैं, अर्थात आज भी हम देख सकते हैं कि जंगल में एक ऐसा समाज आज भी रहता है जो इस तरह से मतलब जंगल के उत्पादों से शिकार से अपना जीवन यापन है वो करता था। क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन से पुराने समाजों के बारे में कुछ जाना सीखा जा सकता है? इसी प्रश्न पर हम अगले अनुभाग में वो चर्चा करेंगे। तो देखिए, अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क, आज भी अफ्रीका के अंदर ऐसे कई जंगली कबीले दिखाई देते हैं जो प्राचीन मानव से बहुत कुछ जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो देखिए, अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ था और उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में बहुत सा विवरण दिया। जैसे उस विवरण को हम पढ़ेंगे तो वो हमारे ध्यान में आ जाएगा कि सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए हैं। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हम उनके आसपास जाते तो ये भाग कर कहीं छिप जाते। हमें उनके गांव मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया क्योंकि जब कभी वे
अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे ये तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमजोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया, इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा है वो नहीं हुआ। अब जैसे देखिए, शिकारी संग्राह के बारे में कुंगसेन नाम के जो शिकारी संग्राह है उसके बारे में जो इसमें लिखा गया, इससे स्पष्ट होता है कि वह मानव ऐसा मानव था जो सामान्य भौतिक विलासितापूर्ण मानव से दूर रहकर अपना जीवन यापन करता था। शिकारी संग्राहक में वह अपना निवास स्थान है वो रखता था। तो इस तरह मानव ने जैसे जैसे सभ्यता संस्कृति का विकास किया है वैसे वैसे ही उसने संप्रेषण और संचार का भी विकास किया होगा। धन्यवाद।